कल विरंजक चूर्ण का ऑक्सीकारक गुण हो गया था, क्या पढ़े थे ऑक्सीकारक गुण में? सबसे पहले जो विरंजक चूर्ण होता है क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन परमाणु किस अभिक्रिया के द्वारा देता है? CaOCl2, ये फॉर्मूला था, उसके बाद से इसको बनता है CaCl2 और नवजात ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जाता है जिसका ऑक्सीकरण करना होता है उसका ऑक्सीकरण कर देता है, हो गया ना। और इसका विरंजक गुण किस सूत्र से देखे थे हम लोग? विरंजक गुण किसकी उपस्थिति में दिखाता है? ये अम्ल की उपस्थिति में दिखाता है ना, तो अम्ल की उपस्थिति में दिखाता है तो क्या बनाता है? CaCl2 प्लस HOCl बनाता है ना। ये ऑक्सीजन गया था इसके पास, फिर HOCl क्या करता है? टूट जाता है HCl में और किसमें? नवजात ऑक्सीजन में। ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों के पास जाके उनको क्या कर देता है? रंगहीन कर देता है, अर्थात उनको विरंजित कर देता है। तो ये इसका विरंजक गुण था, ठीक है। ये प्रकार से विरंजक गुण के बारे में लगभग हम लोग सारी चीजें जान चुके हैं। हेडिंग लिखो नीचे, अब नीचे हेडिंग लिखना, विरंजक चूर्ण के उपयोग, विरंजक चूर्ण के उपयोग। उपयोग भी इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना, उपयोग भी इसका पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण के उपयोग, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हो गया पहला नंबर। पहला नंबर ऑक्सीकारक के रूप में, पहला नंबर नहीं, नाम लिखते जाओ ऐसे ही, बस इसमें हेडिंग नहीं है। उपयोग पूछा जाएगा ना कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। पहला नंबर ऑक्सीकारक के रूप में, तभी तो हमने कल ही पढ़ा ऑक्सीकारक गुण इसका, तीन चार अभिक्रियाएं उसमें पढ़े थे, तो ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, हो गया ना। फिर दूसरा नंबर लिखो, विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में, आज उठे हो क्या सोके? आज उठे हो क्या सोके? दूसरा पेन पकड़ना ही धोएंगे। क्या लिखे? विरंजक के रूप में, आगे लिखना उसी के आगे डैश देके, विरंजक के रूप में डैश देके आगे लिखो, कपड़े, कपड़े, कागज, लकड़ी आदि का रंग उड़ाने में, कपड़े, कागज, लकड़ी आदि का रंग उड़ाने में, हो गया। तो इसका विरंजक गुण कैसे हुआ था? जब इसको तनु अम्ल के साथ मिलाए थे तो पहले हाइपोक्लोरस अम्ल बना था, इसका नाम क्या था? हाइपोक्लोरस अम्ल, फॉर्मूला HOCl। फिर हाइपोक्लोरस अम्ल टूट गया था, क्या दिया था इसने? नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अकेला दिखा तो इसे नवजात ऑक्सीजन या ऑक्सीजन परमाणु हम कहेंगे। ये गया किसके पास? कपड़े के पास लेके चले जाओ, चाहे कागज के पास, चाहे लकड़ी के पास, उसको क्या कर देगा? रंगहीन कर देगा, ठीक है। आगे चलो, लकड़ी तुमको जिस कलर की दिख रही है उसका रंग खत्म कर देगा, इसको ऑक्सीकृत करना है बस। ऑक्सीकृत करने के बाद रंग तो अपने आप उड़ जाता है, त्वचा को रंगहीन क्या करेगा? इसमें ऑक्सीकरण जब तक नहीं कर पाएगा तब तक रंगीन नहीं, ये रंगहीन नहीं कर पाएगा, ये ध्यान देना। यहाँ पे जो ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीजन हमारे शरीर को ऑक्सीकृत थोड़ी ना कर पाएगा। हमारे शरीर की तो त्वचा जो बनी है मृत सेल से बनी है ना, मृत कोशिकाओं से बनी है जिनका ऑक्सीकरण नहीं होता है। जब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक रंग परिवर्तन नहीं होगा, ये याद रखते रहना। तो ये हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। चलो लिखो अगला नंबर, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, अगला नंबर जल के शुद्धिकरण में,
जल के शुद्धिकरण में, हो गया लास्ट नंबर लिख लो, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म कोष्ठक में इसका सूत्र लिख लेना, CHCl3 ये होता है क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग कुछ क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्लोरोफॉर्म पहले जब अब तो क्या करते हैं, ऑपरेशन करने के लिए सुई लगा देते हैं ना, जिससे हमारा वहां का अंग शिथिल हो जाता है, उसको काट पीट दो, कुछ भी कर दो, हमको पता नहीं चलता है। ठीक, हमारे मस्तिष्क को पता कैसे चलता है? जो हमारे तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन चैनल होता है वो सूचना भेजता है हमारे मस्तिष्क के पास। अब ये क्या करता है, जब हम सुई लगा देते हैं तो जहां पे सुई लगाएंगे वहां से तंत्रिका तंत्र को ब्लॉक कर देगा, उससे आगे सूचना हमारे मस्तिष्क पास पहुंचेगी नहीं। यहाँ पे हमारा हाथ काट दो, कुछ भी कर दो, तुम देखते रहोगे, तुमको कुछ असर नहीं पड़ेगा। अभी हाथ कटता है तो दर्द करता है ना, क्यों दर्द करता है? जैसे ही कटता है तुरंत सूचना हमारे मस्तिष्क के पास पहुंच जाती है। अब अगर यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाए तो सूचना यहाँ से आगे पहुंचेगी नहीं। अब यहाँ पे कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो छोटा मोटा टोका लगाना होता है तो क्या करते हैं, सुई यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे सीख लेते हैं आराम से। लेकिन जब बड़ा ऑपरेशन करना होता है तो बेहोश कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पता चला बेचारे का पेट चीर रहे हैं, वो देख रहा है, वैसे मर जाएगा वो। ठीक है, इसीलिए बेहोश कर देते हैं। तो पहले बेहोश करने के लिए ये सारी दवाएं हमारे पास नहीं थी, तो क्लोरोफॉर्म से काम चलाया जाता था। क्लोरोफॉर्म सुहा देते थे, मरीज बेहोश हो गया, फिर उसका ऑपरेशन करते थे। इससे घाटा भी होता था। क्या घाटा होता था? क्योंकि देखो, जब क्लोरोफॉर्म सुहाते हैं तो काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आ गई तो उसमें से विषैली गैस फास्जीन बनेगी, सूंघने के बाद आदमी मर जाएगा। तो पता चला उसको सुहाए, उसके मुंह में चाहे फास्जीन चला गया, वो मर गया। ऑपरेशन करके देख रहे हैं, 2-4 घंटे तक जिंदा ही नहीं है वो, ऑपरेशन करने से पहले ही मर गया। दूसरी बात क्या होती है, जब उसको सुंघाते थे तो अब तो ऐसा है नहीं कि सुंघाए तो निश्चित रूप से 2 ही घंटे वो बेहोश रहेगा, ऐसा तो था नहीं, सुई की तरह तो है नहीं। अब तो आजकल जो सुइयां बन रही हैं वो एक निश्चित समय के लिए हमारे अंग को शिथिल करती हैं। तो उस समय क्या था, क्लोरोफॉर्म जब सुंघाते थे तो कभी क्या किए, ज्यादा सुंघा दिए तो मरीज ज्यादा देर के लिए बेहोश हो गया, कम सुंघा दिए तो कम ही देर के लिए बेहोश हुआ। तो कभी कभी क्या होता था, सुंघा के उसको बेहोश करके ऑपरेशन कर रहे हैं, बेचारा बीच में जा जाता था, और बीच में जाकर फिर उसको बेहोश करना पड़ता था। और फिर कभी कभी क्या किए, ज्यादा देर तक ऑपरेशन करना, ज्यादा सुंघा दिए, बेचारा 4-5 दिन तक बेहोश ही रहता था। अब ऑपरेशन करने के बाद 4-5 दिन तक इंतजार कर रहा है कब होश में आएगा, तब इनके घर वालों को बताया कि हाँ वो सही है, पहले बता भी नहीं सकते थे, तो परेशानी बहुत ज्यादा होती थी। इसीलिए अब इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, अभी भी किडनैपिंग या अन्य चीजों के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं, पिक्चर में तो देखते ही होंगे, इसी को सुंघाते हैं रुमाल में लगा के। तो आजकल इसका उपयोग खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत जगह पे भी इसका उपयोग बाकी है। चलो आगे चलते हैं। हो गया, कितने उपयोग हो गए इसमें? 5 हो गए ना, 5 बहुत है, 4 लिख देना, इसमें तुम्हारा काम चल जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगला यौगिक, ये भी इम्पोर्टेंट यौगिक है। यहाँ पे 3 यौगिक जो मिले हमको, एक विरंजक चूर्ण, अब खाने का सोडा, और इसके बाद धोने का सोडा, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। 3 में से 2 रिएक्शन तो फिक्स है तुम्हारा अभिक्रिया में आएगा इनका बनाने की विधि पे, और बाकी जो इनके रासायनिक गुण है उससे तो रिएक्शन अलग से आएगा। ठीक है, लिखो हेडिंग, लिखो यौगिक है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इंपॉर्टेंट लिख देना हेडिंग के ऊपर, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। हो गया, कोष्ठक में सूत्र लिख दो, NaHCO3, इससे परिचित हो गए, 8 में भी इसको पढ़े थे। अभी नीचे लिख पा रहे हैं ना, अब इसके अंदर लिखो, हेडिंग के अंदर लिखो,
हेडिंग के अंदर, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम। अब देखो सोडियम का नाम तो सोडियम ही होता है, ठीक है, और जो ये HCO3 है ना, इसका नाम दो प्रकार से हम देते हैं। HCO3 को हम बाइकार्बोनेट भी लिखते हैं, बाइकार्बोनेट, या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा है ना इसमें, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। तो दो नाम हो सकता है, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बता सकते हो। तो लिखो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। हो गया, नीचे लिखो, हेडिंग लिखना नीचे, निर्माण की विधि, निर्माण की विधि, इसको बनाते कैसे हैं, निर्माण की विधि। हो गया, अभी देखो शायद पीछे अभिक्रिया बताए थे क्या ऐसी कोई, ये अभिक्रिया पीछे कहीं बताए, वियोजन में बताया क्या, कहाँ बताए, अंधकार रासायनिक गुण में ये नहीं रहा होगा ना, अरे मतलब ये रिएक्शन कहीं लिखवाए हैं, ये रिएक्शन नहीं लिखवाए ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ये जो बना ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, अर्थात खाने वाला सोडा, और ये जो बना इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा। पढ़ना तुमको दोनों है, यहाँ पे खाने वाला सोडा भी पढ़ना है और धावन सोडा भी पढ़ना है, पढ़ना है। तो अब दोनों क्रियाएं एक ही हैं। अगर तुम यहां पे पढ़ रहे हो खाने वाला सोडा, तुमको खाने वाला सोडा बनाना है ना, इसका मतलब खाने वाला सोडा उत्पाद की ओर होना चाहिए, होना चाहिए। तो इस अभिक्रिया को उल्टा कर दो, कैसे लिख दो, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस क्या H2O, तीर के बाद 2NaHCO3, ये बन गया हमारा खाने वाला सोडा, बन गया। इसके बाद अभी जब अगला वाला हम पढ़ेंगे धावन सोडा, धावन सोडा में हमको बनाना होगा धावन सोडा को, अर्थात वो उत्पाद की ओर चाहिए, तो इसको फिर उल्टा कर देंगे, अर्थात 2NaHCO3 पहले कर देंगे और इसको गर्म कर देंगे, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस क्या बन जाएगा CO2। तो दोनों रिएक्शन एक ही है, इसी को उल्टा करके एक बार हम खाने वाला सोडा बना लेंगे और फिर उसको उल्टा करके क्या बना लेंगे धावन सोडा बना लेंगे, दोनों बनाने की भी तुमको तैयार हो जाएगी, पढ़ना एक ही है, ठीक है ना। और दोनों पूछा जाता है, याद रखते रहना, ये एक नंबर में तुमसे जरूर पूछा जाएगा, हो जाएगा। तो लिखो सबसे पहले इसमें कैसे बनाएंगे, अब हमको अब खाने का सोडा बनाना है ना, तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये CO2 हो गया, ये H2O हो गया, तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन ले लो, CO2 गैस प्रवाहित कर दो उसमें, क्योंकि CO2 गैस के रूप में रहेगी ना, तो सोडियम कार्बोनेट का जल में विलयन लेके CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है,
सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। हो जाएगा। तो बनाने की विधि में लिखो, बनाने की विधि में लिखो, सोडियम कार्बोनेट, इस पर भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, रिएक्शन तैयार कर लेना जरूर। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कोष्ठक में सूत्र लिख देना, Na2CO3, Na2CO3 के, हो गया, जलीय विलयन में के, जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, हो गया। तो रिएक्शन लिख लो, Na2CO3, इसका कौन सा विलयन, जलीय विलयन, क्या प्रवाहित करेंगे, CO2 गैस, तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। संतुलित करना है, इधर Na के नीचे कितना लिखा है, 2 लिखा है ना, इधर Na के नीचे कितना है, 1 है, इधर 1 Na, इधर 2 Na, इधर 2 करना होगा, तो सामने इसके कितने का उड़ा कराएंगे, 2 का, तो 2 सोडियम हो गया इधर, अब देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 का उड़ा हाइड्रोजन में भी होगा, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन देखो इधर है, दिख रहा है, कार्बन में भी 2 का उड़ा होगा, 2 कार्बन भी हो गए, 1 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ, देखो दोनों कार्बन भी है, ठीक है ना। ऑक्सीजन देख सकते हो, 3 नीचे है, 2 बगल में, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, इधर देखो क्या 6 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, 1 4, और यहाँ पे 2 कितना, 6 5, 6 ऑक्सीजन बराबर हो गया। तो अभिक्रिया संतुलित है, नोट कर लो इसको, नाम नीचे लिख लेना, इसके नीचे सोडियम कार्बोनेट और इसके नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे हेडिंग लिखो, बेकिंग सोडा के गुण, बेकिंग सोडा के गुण, बेकिंग सोडा के गुण, पहला नंबर लिखो, पहला नंबर, यह जल में विलेय सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, यह जल में विलेय सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, यह जल में विलेय सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर, जल अपघटन, जल अपघटन हो गया, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस, HYDRO LYSIS, हो गया, हाइड्रोलिसिस, तो लिखेंगे इसमें, हाइड्रो, ये दूसरा नंबर बोले ना, हेडिंग है, हेडिंग,
जल अपघटन हेडिंग है, इसके अंदर लिखना है। वो तो एक पहला भौतिक गुण था ना, उसको लिखवा दिए। अब ये रासायनिक गुण शुरू हो रहा है, अर्थात इसमें रासायनिक क्रियाएं होंगी। तो जल अपघटन करने का मतलब जल के साथ इसकी क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा देखना है हमको। जब इसकी जल के साथ क्रिया कराओगे तुम, तो पहले तो इसका नाम ही है NaHCO3। अगर इसका आयन बनाओ तो तुम्हें मिलेगा Na पे प्लस मिलेगा ना, Na तो हमेशा प्लस वाला आयन बनाता है, और पूरा HCO3 पे तुम्हें क्या मिलेगा जी, माइनस मिलेगा, मिलेगा ना। इसका जल अपघटन करा रहे हो, माने तो जल से क्रिया करा रहे हो। तो जल क्या बनाता है, H प्लस और OH माइनस, ये भी तुम्हें पता होगा, पता होगा ना। अब बता सकते हो कौन कहाँ जाएगा, Na प्लस है ना, तो वो जाएगा माइनस के पास, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है। तो अपने वाले के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि अपने वाले के पास तो पहले से ही था, दूसरे की तरफ आकर्षित होगा, इसकी ओर क्या बना लेगा, NaOH। ठीक है, अब HCO3 किसके पास जाएगा, H के पास चला जाएगा, तो H और H मिलके क्या बना लिए, H2CO3। नाम तो दोनों का जानते ही होंगे, नहीं। ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये नाम है इसका कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो एक चीज देखो, कार्बोनिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अम्ल है और क्षार है। इसकी क्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है। तो ये क्रिया उल्टा भी हो सकती है, ये एक लवण है ना, भले ही अम्लीय लवण है, और प्लस में क्या बना हुआ है, अर्थात ये क्रिया उल्टी भी चल सकती है। ठीक, तो अभी तो हम क्या कर रहे थे, इसका जल अपघटन कराना, जल मिला के इसको गर्म कर रहे हैं, अब इधर से इधर होगा। ठीक है ना, नोट करो, अब लिखवाएंगे जल अपघटन हेडिंग लिखे ना, इस जल अपघटन हेडिंग लिखो, इसके अंदर लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया जल से कराने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया जल से कराने पर, जल से कराने पर एक प्रबल क्षार, जल से कराने पर एक प्रबल क्षारक, लिखना प्रबल क्षारक, एक प्रबल क्षारक क्या है, NaOH प्रबल है ना, तो एक प्रबल क्षारक कोष्ठक में लिखना NaOH, NaOH तथा कितनी बार बताएंगे कितनी बार बताएं, कौन प्रबल है कौन दुर्बल बताओ तो, कोई इसको नहीं पता, बाकी को पता होगा, हंसे हो सभी लोग, नहीं वो तो अलग चीज है, पहचानने कोई तरीका ही बताया थे, प्रबल क्षार में उदाहरण लिखवाए थे, प्रबल क्षार में उदाहरण लिखवाए थे, एग्जाम्पल लिखवाए थे। क्षार धातुएं और क्षारी मृदा धातुएं, एल्कोली मेटल्स और एल्कोली सॉयल मेटल्स, ये जो क्षार बनाती हैं वो प्रबल होते हैं। ठीक है, अर्थात आवर्त सारणी जब बड़ी वाली देखोगे, अभी आगे हम उसका अध्ययन करेंगे आवर्त सारणी का, तो वहां पे समझ में आएगा, जो पहली लाइन होती है जिसमें लिखा होता है फर्स्ट ए, और जो दूसरी लाइन होती है जिसमें लिखा होता है सेकेंड ए, इसमें जो तत्व हैं अगर वो क्षार बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल कहते हैं। जैसे इसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और नीचे भी है उसके मतलब नहीं है हमें ज्यादा, इसके बाद इसमें आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ऐसे इसमें। तो ये चीजें जो क्षार बनाएंगी
ये सारे के सारे क्या होंगे, प्रबल होंगे, ठीक है ना, ये याद रखना। एनी यहाँ पे है ना, तो इसने जो क्षार बनाया वो क्या होगा, प्रबल होगा। पोटेशियम भी जो क्षार बनाएगा प्रबल होगा, मैग्नीशियम भी जो बनाएगा वो भी प्रबल होगा, कैल्शियम का भी प्रबल होगा, स्ट्रॉन्शियम का भी प्रबल होगा, लिथियम का भी प्रबल होगा, ठीक। तो ये पहला और दूसरा लाइन वाले जो क्षार बनाते हैं वो प्रबल क्षार बनाते हैं, क्षारक कहेंगे उसको, प्रबल क्षारक, क्योंकि क्षार कहने से प्रबल तो हो ही जाता है अपने आप, ठीक है। तो क्या लिखे, प्रबल क्षारक कोष्ठक में NaOH और दुर्बल अम्ल, और दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या है, H2CO3, दुर्बल अम्ल H2CO3 बनता है, कोष्ठक में लिखना H2CO3 को, बनता है हो गया ना, तो लिख लो इसको, ये रिएक्शन लिख लो, नाम इसके नीचे लिख देना सोडियम बाइकार्बोनेट, बाकी उन दोनों का तो नाम लिख ही दिए, गोला मत लगाना है सब, खाली NaHCO3 लिखना है, प्लस H2O3 के बाद NaOH प्लस H2CO3, H2CO3 का नाम है कार्बोनिक अम्ल, दूसरी हेडिंग लिखो इसमें, अब दूसरी हेडिंग अम्लों के साथ क्रिया, रासायनिक गुण में अगला नंबर है, अम्लों के साथ क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया, इस पर इंपॉर्टेंट लिख देना, अम्लों के साथ क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया हो गया। अब देखो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी अम्ल से क्रिया कराएंगे, ठीक है ना, ये अम्ल दुर्बल नहीं प्रबल गया, H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी प्रबल अम्ल से क्रिया कराए, तो ये जो आयन है प्रबल होगा ना, इसका मतलब ये इसको हटा देगा, क्योंकि ये तो दुर्बल अम्ल बनाता है, प्रबल वाला दुर्बल को प्रतिस्थापित कर देगा, तो HCO3 को भगा देगा यहां से, ठीक है। उसके बाद क्या बना लेगा, Na चला जाएगा SO4 के पास, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 संयोजकता के नियम से बनेगा, क्योंकि SO4 कितना माइनस बनाता है जी, 2 माइनस बनाता है ना, और Na कौन सा बनाता है, तो इसका 2 इस Na के नीचे, इसका 1 इस SO4 के नीचे, तो Na के नीचे कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, Na2SO4 बन जाता है, बनता है। और उसके बाद जब भी कार्बोनेट अभिकारक में होता है तो CO2 अवश्य बनता है, ये हमने पीछे ही तुमको बता दिया, अगर इधर CO2 है तो बिना कुछ सोचे समझे उधर CO2 बना दो, सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस में क्या लिखोगे, CO2 और हाइड्रोजन दिख रहा था, इस CO3 से एक ऑक्सीजन कम हुआ था ना, ऑक्सीजन भी है तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ये हो गया, अभिक्रिया संतुलित कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, और CO2 भी कितना कर दिया जाए, इसको भी 2 कर दें, और इसको भी 2 कर दें, हो तो क्या ना, ठीक है, हो जाएगा, नोट कर लो, नोट क्या करना है, पहले लिखना है ना, तो लिखो इसमें पहले, यहां से निष्कर्ष क्या निकला, आप सोचो, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया प्रबल अम्लों से कराने पर, ये लवण है ना, एक लवण जो भी यहां पे लेंगे उसी हिसाब से बनेगा, मान लो कि दूसरा प्रबल अम्ल ले लेते, यहां पे HCl ले लेते, HCl, तो इस बार SO4 की जगह Cl आ गया ना, ध्यान देना,
सीएल बनाता है माइनस और यानी क्या बनाता है, एक तो इसका एक एनए के नीचे एक और सीएल के नीचे एक लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल क्या बनता है एनएसीएल। तो तीर के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, एनएसीएल बनेगा और उसके बाद CO2 तो बनेगा ही और फिर क्या बनेगा प्लस H2O बनेगा। संतुलित है क्या ये तो संतुलित है, दिखाई दे रहा है ना। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया इन प्रबल अम्लों से कराई जाती है तो सोडियम का लवण बनता है, क्या बनता है सोडियम का लवण, अर्थात सोडियम जब किसी रिलायंस से जुड़ जाता है तो उसका लवण बनता है। तो सल्फेट से जुड़ा तो सोडियम सल्फेट और क्लोरीन से जुड़ा तो सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम लवण बनता है और कौन सी गैस निकलती है CO2 गैस निकलती है, बाद में तो जल बनता है। तो उसको लिखो या मत लिखो क्योंकि वो कोई आवश्यक उत्पाद नहीं है, उसमें लिखना पड़ेगा अभिक्रिया में, लेकिन अपने जो थियरी है उसमें लिखो या मत लिखो, मुख्य चीजें उसमें दो है कि सोडियम लवण बना और कौन सी गैस निकली CO2 गैस निकली। CO2 गैस क्यों निकली, CO2 इधर क्यों बना, क्योंकि इधर क्या था CO3 का, ठीक है। जब भी इधर CO3 है बिना सोचे समझे उधर क्या बना दो CO2 बना दो, ये याद रखते रहो, हो जाएगा। शुरू करो, लिखेंगे इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया प्रबल अम्लों से कराने पर, प्रबल अम्लों से कराने पर सोडियम लवण बनता है, सोडियम लवण बनता है, सोडियम लवण बनता है तथा सोडियम लवण बनता है तथा CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। हो गया, नोट कर लो। जैसे मैं दोनों नोट कर लो, पहला वाला नोट करके सब नाम नीचे लिख लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट इसके नीचे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इधर बनता है सोडियम सल्फेट और प्लस CO2 प्लस H2O तो जानते ही हो। तो पहला वाला लिखना है, फिर नाम लिख लो नीचे, तब दूसरा वाला लिखना, इसका नाम क्या है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसका नाम तब क्या है सोडियम क्लोराइड, बाकी तो उधर CO2 जानते ही हो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। अगला नंबर लिखो रासायनिक गुण में, रासायनिक गुण में अगला नंबर, धातु लवणों से क्रिया, धातु लवणों से क्रिया धातु लवणों से क्रिया हो गया। तो लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया हो गया धातु, धातु कोष्ठक में लिख देना जेडियन अर्थात जिंक, कोष्ठक में लिख देना जेडियन कौन है एम जी
कॉमा पीबीआर जेडीएन कॉमा एमजी कॉमा पीबी आर पीबी लेड है पीबी आर के लवणों से कराने पर के लवणों से कराने पर के लवणों से कराने पर हो गया धातु कार्बोनेट कराने पर धातु कार्बोनेट हो गया तथा धातु कार्बोनेट तथा सोडियम लवण धातु कार्बोनेट तथा सोडियम लवण सोडियम लवण बनता है और CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस निकलती है हो गया ना। अब तनिक इसको ध्यान से देखना, पहले बार हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं तब रिएक्शन पे आते हैं। धातु लवण मेटलिक सॉल्ट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाई उसके बाद कार्बोनेट इन दोनों की क्रिया हो रही है तो तीर के बाद हमने कहा धातु कार्बोनेट बनेगा ना। हमने यहाँ पे लिया धातु, इस धातु को ले जाओ किसके पास, कार्बोनेट के पास, तो बना इधर क्या धातु कार्बोनेट बना। उसके बाद प्लस में क्या बोला हमने, सोडियम लवण, ध्यान से समझना, धातु चली गई कार्बोनेट के पास, सोडियम चला आएगा किसके पास, लवण के पास, तो बन गया तुम्हारा, ध्यान से देखे रहना कैसे कौन कौन कहां जाएगा, सोडियम लवण। और तुमको तो पता ही है अगर कार्बोनेट है तो कौन सी गैस बनेगी, CO2, बाई लगा है मतलब हाइड्रोजन है, सूत्र में हाइड्रोजन था ना उसके, हाइड्रोजन है तो प्लस में क्या अवस्थी बनेगा, H2 अवस्थी बनेगा, मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया ना। अब इसको अभिक्रिया में लेके चलो, कोई धातु का लवण लिया जाए, जिंक का कोई लवण लिया जाए, धातु में हमने इतना बताया ना, जिंक का कोई भी लवण ले लो, अर्थात क्या लिया जाए, जेडीएन को किसके साथ जोड़े, इसी रिडायन के साथ जोड़ो, एसओ फोर के साथ जोड़ोगे तो जिंक सल्फेट बन गया, सीएल के साथ जोड़े तो जिंक क्लोरेट या जिंक क्लोराइड बन गया, उसके बाद नाइट्रेट के साथ जोड़े तो जिंक नाइट्रेट बन गया, कुछ भी ले सकते हो तुम, चाहे जो ले लो हो जाएगा। तो क्या लें इसमें से, सल्फेट नाइट्रेट, चलो तो जेडीएन एनओ थ्री ले लिए, ये हमारा हो गया धातु लवण हो गया ना। उसके बाद प्लस इसकी क्रिया किससे कराओगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से कराओगे, तो अब बता सकते हो क्या क्या बनेगा बिना सोचे समझे, क्या क्या बनेगा तुम बताओ जी, हमको समझा दो कौन कौन कहां जाके क्या बना लेगा, जल्दी समझाओ, सोचो तब तो तुम समझा दो। जेडीएन सीओ थ्री के पास जाएगा, उसके बाद बताओगे क्या बनेगा, समझ रहे हो, बताओ क्या बनेगा, कौन कहां जाएगा, इसे देख रहे हो कि धातु तो चली गई कार्बोनेट के पास, कार्बोनेट कौन था, CO3 था, अर्थात जिंक चला गया कार्बोनेट CO3 के पास, दूसरी तीर किसको दिखाए, सोडियम से किसके पास, लवण के पास ना, तो ये सोडियम है और ये वाला इसका लवण था, सोडियम के साथ ये सोडियम किसके साथ चला आया, NO3 के साथ चला आया, बाकी हमारा CO2 और क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है ना। तो सबको पहले संयोजकता नियम से बनाओगे, जेडीएन बनाता क्या है,
यहाँ पे ये रहेगा जिंक नाइट्रेट का सूत्र, क्योंकि एनओ थ्री माइनस बनाता है ना, जिंक बनाता है टू प्लस, क्या बनाता है टू प्लस, और सीओ थ्री भी क्या बनाता है टू माइनस। देखो दो प्लस से दो माइनस कितनी कितनी बार में कट गया, एक एक बार में कट गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, जेड एन सी ओ थ्री प्लस में और आगे सोडियम आएगा लवण के पास अर्थात नाइट्रेट के पास, तो एनए क्या बनाता है जी प्लस, और ये क्या बनाता है एनओ थ्री क्या बनाता है माइनस बनाता है, तो इधर प्लस माइनस एक एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बना लेगा एनए एनओ थ्री और प्लस क्या और प्लस एच टू ओ हो गया। यहां से दो कर दें, यहां की दो कर दें हो जाएगा। कैसे हो गए हम ये वाला कार्बोनेट नहीं ध्यान दे रहे थे, इसको नहीं भी देख रहे थे, ठीक है। देखो दो करने के बाद दो ट्वाइस बनता है एनओ थ्री ट्वाइस है, तो यहाँ सामने दो लगाया है ना, दो ठो एनओ थ्री हो गया कि नहीं हो गया, सोडियम के सामने भी दो लगाए, इधर भी सोडियम दो ठो है, उसके बाद से यार जिंक एक है, जिंक एक है, कार्बोनेट देखो सीओ थ्री वाला एक तो चला आया, और जो दूसरा कार्बोनेट बचा है वो सीओ टू के रूप में टूटा, उसने एक ऑक्सीजन छोड़ा, यहाँ पे दो का गुणा हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है, उसने ऑक्सीजन छोड़ के एच टू ओ बना लिया, सब बैलेंस तो है, नोट कर लो। तो क्या पहले इसको नोट कर लो, कॉन्सेप्ट नोट कर लो, फिर तब इसको नोट करो, जिससे आसानी से समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट में ये तीर बना लेना कौन कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, जिससे रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जिंक नाइट्रेट है, कोई भी यहाँ पे धातु लवण ले सकते हो, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्रिया हुआ तो जिंक का क्या बना कार्बोनेट बना, सोडियम का क्या बना नाइट्रेट बना, और बाकी प्लस CO2 और H2O तो जानते ही हो। बस अब इसका उपयोग कल पढ़ेंगे।